हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू पैनेशिया फॉर लाइब्रेरियन क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है इंस्टॉक। इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इसका रीजनल हेडक्वार्टर बेंगलोर है, चेन्नई है एंड कलकत्ता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1952 में विद द हेल्प ऑफ यूनेस्को। और अगर इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली। जब रीजनल हेडक्वार्टर पूछे तभी हम लोग को बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता लगाना है, ऐसे हेडक्वार्टर पूछे तो दिल्ली। इंस्टॉक जो है किसके अंडर वर्क करता है, तो CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इंस्टॉक किसके अंतर्गत काम करता है, तो CSIR। इंस्टॉक के कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसमें है NUCSSI, नेशनल यूनियन कैटलॉग साइंटिफिक सीरियल इन इंडिया। सेकेंड है NOPR, निस्कियर ऑनलाइन पीरियोडिकल रिपोजिटरी। थर्ड है WOI, वेल्थ ऑफ इंडिया। फोर्थ है CD-ROM का, जो CD-ROM जितने भी होते हैं उसको इंडियन पेटेंट करने का भी काम जो होता है इंस्टॉक का होता है। फिफ्थ है द यूजफुल प्लांट्स ऑफ इंडिया। सिक्स है द ट्रीटीज ऑफ इंडियन मेडिकल प्लांट्स। इसकी कुछ पब्लिकेशंस है जैसे एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज, जो कि क्वार्टरली आता है। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, ये बाई मंथली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का बाई मंथली, क्योंकि इसी से एक रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट तो वो एसलीब आता है, तो इसमें आता है इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट बाई मंथली। फिर एक आता है साइंस रिपोर्टर मंथली, विज्ञान प्रगति मंथली, साइंस की दुनिया, ये भी सेम ही मंथली। अब नेक्स्ट हमारा है नेशनल साइंस लाइब्रेरी जो है NSL, जो ये भी इंस्टॉक के अंदर ही काम करता है। अब इंस्टॉक का क्या किया गया, नाम चेंज कर दिया गया। तो इंस्टॉक इस्टेब्लिश हुआ था 1952 में। और एक और संस्थान है जिसका नाम है NISCOM, ये भी साइंस के फील्ड में काम करता है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1951। ये दोनों ही साइंस के फील्ड में काम करते थे, दोनों को मर्ज करके एक ही ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया जिसका नाम रखा गया NISCARE। इसका इस्टेब्लिशमेंट 30 सितंबर 2002। अब NISCARE जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, 1963 में इसका ये नाम था, लेकिन उसके बाद 1964 में NISCARE का नेशनल साइंस लाइब्रेरी बोला जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।